कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही। माटी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत एही। गौड़ी कबीर जी दोपदे नाम योग ध्यान चित लाया, बिन बैराग न छूट समाया। कैसे जीवन होए हमारा, जब न कोई राम नाम आधारा। वाह कहो कबीर खोजो असमान, राम समान न देखो यहाँ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान न देखो यहाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। जुगो जुग अटल तख्त सबर दे मालक साहिब एक माल सतगुरु की मुबारक बोल विच गुण बैठ इलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कर रहे गुरु प्यारे वडभागे सतसंगी जनों, आप जी ने कीर्तन द्वारा गुरु घर दे कीर्तनीय पासों पावन बोल दे राही उस मालक दे चरणां च अरदास कीती। अरदास की दाता तुसीं मेहर करो, असीं तुहाडे गुण गाईए। प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। असीं जदों बाणी पढ़ीए ना, पातशाह जी ने गुण गाउण की बड़ी महानता बयान कीती। जे मैं गल कहां ते हजूर दी बाणी दा फरमान है, जिहड़ा व्यक्ति परमेश्वर दे गुण नहीं गाउंदा उहदा जीवन व्यर्थ है। बाबे दी बाणी दा अमृत वचन है, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार की। जे ये गल भी कह दें तो कोई अत कथनी नहीं, बिना रब्बी गुण गाउण तों इंसानी जीवन पशु तो वध कुछ भी नहीं है। आपां बाणी पढ़ांगे, बाणी अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे ने जिहड़े शब्द इन्हां गल्लां दा जिक्र करदे ने कि साडा शरीर भावें मनुखां वाला है पर साडी जिहड़ी सुरती बिरती है आत्मां जिहड़ियां ने पशुआं वालियां। हुण असीं सारी उम्र ये पशु वालियां बिरतियां लैके चले जाणा संसार तों, कि पशु बिरतियां तों उपर उठ के इंसानी बिरती दे भी धारनी बणांगे। इंसानी बिरती दे धारनी बनन वास्ते जरूरी है मालक दे गुणां नूं गाउणा, गुणां नूं समझणा, और उहदे गुणां नूं अपने जीवन च वसा के गुणी निदान खालसे बणना। अज आप जी ने बाबा कबीर साहिब जी का गौड़ी राग दे विच उच्चारण किया होया 34वें शब्द का पाठ सरवण किया है। ते बाबा कबीर साहिब जी ने अज दे शब्द द्वारा उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल गलबात करदे होए, विचार वटांदरा करदे होए ये गल मालक नाल सांझी कीती। मालक जी तेरे नाम तो बिना मेरा काहदा जीवना, नाम तो बिना मैं किवें जीवन जीवांगा, नाम तो बिना मैं किवें माया तो उपराम होके तेरे नाल सुरत जोड़ सकना।
योगियों वाले जिहड़े योग मत दे साधन ने उन्हां दी वरतों करके माया तो पराम नहीं होया जा सकता। योगियों के जिहड़े साधन ने उन्हां दी वरतों करके सिर्फ शरीर जिहड़ा है उहदी उम्र वधाई जा सकती है, उन्हों ठीक किया जा सकता है, ठीक रखा जा सकता है। पर गुरु की संगत योगियों वाले साधन अपना के माया तो उपराम नहीं होया जा सकता। माया तो उपराम होने के वास्ते, माया तो उपर उठन वास्ते सानू परमेश्वर की बंदगी करनी ही पैनी है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। बाबा कबीर साहब जी ने रहाव दे पदे विच वचन किया, कैसे जीवन होए तमारा जब ना होए राम नाम आधारा। रखाओ मालक जी, जदों तक तुहाडे नाम नाल सुरत जुड़दी नहीं, जदों तक नाम दे नाल सांझ बनदी नहीं, उदों तक असीं माया तो उपराम नहीं हो सकते, माया नूं समझ नहीं सकते, माया तो उपर उठ ही नहीं सकते। हुण बाबा कबीर साहिब कहिंदे ने माया नूं समझण वास्ते, इहदे तों उपराम हो के उपर उठण वास्ते साधन में बड़े वरते ने। जो साधन की ने, नाम योग ध्यान चित लाया। कहिंदे मैं योग अभ्यास दे विच ना ते चित लाया ना मैं ध्यान लाया। योगियां वाले कमां च मैं ध्यान नहीं लाया, क्योंकि योगी ते आप नानक जी नूं पुछदे ने, की पुछदे ने, कहिंदे ने नानक जी तुसीं दसोंगे ये माया तो पार, इस संसार सागर तो पार किवें लंघिया जा सकता है, इहदे तों पार लंघना बड़ा औखा है। योगी ने नानक सतगुरु नूं सवाल किया, पर उह सवाल धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दर्ज है। योगी दा सवाल है, दुनिया सागर दुत्तर कही है क्यों कर पाई है पारो, चरपट बोला है औ दू योगी दे सच्चा विचारो। चरपट योगी दा नाम है जिहड़ा सवाल कर रहे गुरु नानक पातशाह जी। नानक सतगुरु जी चरपट दे सवाल दा जवाब अगलियां पंक्तियां च दिंदे ने। कहिंदे ने चरपट, ये दुनिया तो इस संसार सागर तो पार लंघना है, तरीके ने, तो तरीका की है, जैसे जल में कमल निराल मुर्गा ही निशान है। कमल का फुल वेख्या, चिक्कड़ च रह के चिक्कड़ तो निर्लेप है। कहिंदे ने चरपट मुरगाई वेखी है, पानी विच रह के पानी तो निर्लेप है, पानी च डुबदी नहीं, उहदे खंभ जिहड़े ने ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਨਿਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। जे योगी संसार सागर तो पार लंघन की जुगत सिख जाते, संगत उन्होंने कदे भी घर परिवार कारोबार बाल बच्चे तियां पुत्र छड़ के जंगलों में पहाड़ों में बर्फों में जाके उन्होंने समाधियां नहीं लाइया। उन्होंने तैरन का तरीका ही नहीं आया। ऐसे करके नानक जी ने कहा सी योगियों नूं, सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। पर तुहानूं माड़ा मोटा ज्ञान मिलिया, तुसीं आके पर्वतां च लुक के बह गए हो, ते कौन संसार नूं पार लंघाएगा? कदे सोचिया, कदे विचारिया? तुसीं संसार दुखां दा घर कह के संसार छड़ता, परिवार छड़ता, कारोबार छड़ता, ਵਿਹਲੜ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ।
ठंड लगती है, गर्म कपड़े चाहिए ने, कितों मंगने जाते हो? कहते ग्रस्तियों के घरों। तो फिर ग्रस्ती तो उन्होंने चंगे ने कि माड़े? चंगे है ना, जेडे अपना भी परिवार पालते ने ते नाल तुहानू वेलणा नू भी पाल देंगे। ते जे मुड़ के मंगण ग्रस्तियां दे घर ही जाना है ते फिर ग्रस्तियां नू छड़ के, ग्रस्ती छड़ के जोगी बन के तुसी खटिया की है? इस करके बाबा कबीर कहिंदे नाम है जोग ध्यान चित लाया बिन बैराग ना छुट समाया। जदों तक अंदर बैराग नहीं पैदा होंदा ना, माया तो उपरामता नहीं पैदा होंदी, उदों तक मालक दे नाम नाल जुड़िया ही नहीं जा सकदा। देखो साहब ने सानू बाणी दे राही गल समझाई, नुकता यह है भी माया नहीं छड़नी, पकड़ छड़नी है। जेड़े पकड़ नहीं छड़दे ना, वो तो फिर माया गई तब रोवन लगत है। जेड़े पकड़ छड़ देंदे ने वो तो माया आउंदी है खुश नहीं होंदे, माया जांदी है रोंदे नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता है माया गुजरान, साडा काम चलना चाहिए। माया आई साडा काम चलाया तुर गई। धन्यवाद जी। जब किछ पावै गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। जदों कुछ मिलदा खुशी मनाउंदा, जदों कुछ चला जांदा शोक मनाउंदा। ते बाबे ने बचन कीता हर कसोग ते रहने आरो ना ही मान अपमान। जिदे कोल जुगत आ गई उन्हों आए दी खुशी नहीं, गए दा गम नहीं। जिन्हों इस गल दी समझ आ गई, दाता ये आया तेरा हुक्म है, चला गया तेरा हुक्म है। ये तेरी खेड है। आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी इनी माया। इस करके बाबा कबीर कहते ने कैसे जीवन होएगा मारा जब ना होए राम नाम आधारा। राखाओ जदों तक नाम दे नाल सुरत नहीं जुड़दी, नाम का आसरा नहीं मिलता, जब नाम का आसरा नहीं लेंगे उदों तक सत्संग जीवन सफल खो ही नहीं सकता, जीवन की जात ही नहीं आ सकती। ऐसे करके अरदास की, प्रभ की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। मालक जी तुसी मेहर करो असी तुहाडे गुणा नूं गाईए, तुहाडे गुणा नूं समझिए। जिन्हां नूं समझ आ गई, पातशाह जी ने वचन किया ना गुरप्रसादी जिन्हां लिव लग गई, गुरु मेहर सदका जिन्हां दी लिव लग गई सुरत जुड़ गई, तिन्नी विचे माया पाया। उन्होंने माया विच रह के, परिवार च रह के, संसार च रह के, कारोबार विच रह के प्रभु की प्राप्ति कर ली। हुण जे असीं चीज वेखनी होवे भी परिवार च रह के रब किवें मिलदा, सानूं कितें जाण दी लोड़ ही नहीं। नानक जी का जीवन पढ़ लो, गुरु अंगद साहब जी का पढ़ो, अमरदास जी का, किसी भी गुरु साहबान का जीवन पढ़ के देखो। गुरु साहबान ने परिवार विच रह के, गृहस्थी विच रह के, और सगो कमाल की गल वेखो कारोबार करते हुए बंदगी की है। ऐसा गुरु मिलना किसी सानू जिहड़ा आप कारोबार भी करे, नाम भी जपे, ते सानू भी तरीके दसे। भाई हाथ पाओ कर काम सब ठीक निरंजन नाल, हथ कार वल चित करतार वल। गुरु साहब ने भी सानू तरीके दिते, पर माफ करना जी जदों तक असीं बाणी नूं आप पढ़ना नहीं सानू तरीके आने ने। देखो ना हूँ जी आप समझांगे
ते मंजिल ते आसानी नाल पहुंच जावांगे। ते जे आप राह नहीं समझिया फिर पुछ पुछ के जाना, मतलब पटक पटक के जाना। ते कई बार ऐसा होंदा दसन वाला कोई मेरे वर्गा टक्कर दे जिन्हों खुद नहीं पता, वह भी फिर तुक्का नहीं मार दिंदे बाजी आ चलो जो अगे जाओगे ना बस सजे मुड़ जाओ सीधे जा के फिर तुसीं खब्बे लै लियो बस पुट्टे सीधा घुमाता बंदे ने। घुमा दिता कि कोई जरूरी नहीं है कि अनपढ़ ही सानू घुमाएगा, पढ़े लिखा भी घुमा दिंदा कई बार। बड़े सज्जन ने जो गूगल पिछे लग के तुरद गलत पैसे लिफाते लै दिंदा की कराऊंगा। इस तो अगे बाबा कबीर साहब जी ने वचन किया, कहो कबीर खोजो असमान राम समान न देखो यान। हे कबीर आख मैं सारी धरती पाल ली, मैं चारे कुंडा पाल लिया, सिटा की कढ़िया तो जे वड़ना साइया, मैं सारी धरती घूम फिर के देख ली, जाता तेरे वर्गा मैनू कोई मिलया ही नहीं, तेरे बराबर का नहीं मैनू कोई मिलया। तुसी आप अध्ययन करके वेखो, पहले बाकी सारे ग्रंथ पढ़ लो, उन्हां दी विचार पढ़ लो, मुड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा पढ़ लो। मैं तो अगे भी बेनती की सी और बड़ी बार की है, अल्लाह जपण वाले जेड़े उत्थे राम की बात नहीं है, राम जपण वाले जेड़े ने उत्थे अल्लाह की बात नहीं है। ये नानक दे घर आओगे इत्थे दोवें बातां ने, कोई बोले राम राम कोई खुदा है ना विलखणता। ऐसे करके चार कुंट दा दिस भ्रमे थके आए प्रभ की शाम। मालक सारी धरती असी गा ली है, हुण थक के तेरी शरण आ गए, हुण तू मेहर कर, साडी शरण आया दी लाज रख, माफ फल। क्योंकि मैं ना सुनिया सी कि भाई सतगुरु मैं तुहाडे बारे सुनिया सी, कि सुनिया भाई साडे बारे, पाछा ये सुनिया जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिसरा को कृपा ता। ठाकुर जी जिहड़ा तुहाडी शरण आ गया तुसी कृपा करके उहनू टिकाणा दे ही दिंदे। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरा। फिर मालक मैं भी तुहाडी शरण आ गया, मैनू रख लो। और मालक दी ना शरण रहन वास्ते ख्याल रखियो जी, अपनी उम्र ना देखियो, इत्थे ते वह भी गुरु के प्यार वाले ने जिन्हां नू जमदे ही गुरु की शरण मिल गई, जमदे ही गुरु की शरण मिल गई। और मिली किवें? मालक दी मेहर होई। मालक दी मेहर किवें होई? भाई गुरदास जी ने गुरु की सिफत करते हुए बचन लिखिया, बल भंजन गुर सूरमा बड योधा वो परे उपकारी। गुरु बड़ा बड़ा योधा है, गुरु बड़ा बड़ा सूरमा है, गुरु दल भन्न वाला है, पर गुरु है परोपकारी। नहीं तो सूरमे जड़े बहादुर वो घट ही परोपकारी मिलते हैं, इत गुरु परोपकारी है। हुण तुसीं वेखो एक दिन परोपकारी सतगुरु अपने सिखां नूं लैके शिकार ते निकले ने, जमदियां नूं शरण मिल जाती है। इस संबंध च बेनती करन लगा ध्यान रखियो। पातशाह जी नगर तो बाहर गए, एकदम मेरे दाता जी ने अपना घोड़ा रोकया, सिखां भी रोक लिया आप अपने घोड़े। मालक कहिंदे तुहानूं कोई आवाज सुनाई दे रही है? कहिंदे पातशाह लगता है भी कोई बच्चा रो रहा है। मालक ने सही पकड़िया, वेखो आले दुआले। जदों सिखां घोड़ियां तो उतर के आला दुआला वेख्या थोड़ी दूर तक, तो एक रोंदा होया बच्चा मिलया। सिख चुक के लैके आए सतगुरु कोले, और सतगुरु नूं कोल लिया के कहिंदे पातशाह है तो ये बच्चा नव जन्मे है पर एक कोथरा है। मालक कहिंदे नहीं ये सुथरा है। कोथरा किनू कहिंदे ने? जिहड़ा बच्चा दंदा समेत जम जाए
ਉਹਨੂੰ ਕੋਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਦੰਦ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਭਰਮ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ, ਹੁਣ ਨਾਨਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਿੱਤਰੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਲੀ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਖੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂਗੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਖੋਜੋ ਅਸਮਾਨ, ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਨ, ਅੰਤ ਭਾਵ ਹੋਰ ਅੰਤ ਭਾਵ ਦੂਜਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 35ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਪਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਸ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ